हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी फ़ोन में कॉम्बो अच्छे तरीके से कैसे लगाएं जिससे हमारा ग्लास टूटे नहीं, हमारी कोई भी एलसीडी ब्रोकन ना हो, टूटे नहीं। लगाने से पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमको लगाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हमको कॉम्बो फिटिंग करने के लिए जो किनोरी है ये, इसको पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए, जिससे मैंने ये क्लीन कर रखी है चारों तरफ। उस तरीके से हमको ये क्लीन करके उसके बाद हमको ये ग्लू होगा, ये हमको ग्लू लगाना है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। ग्लू हमको हल्का हल्का लगाना है जिससे हमारा ग्लू हमको इस तरीके से ग्लू लगा देना है। ग्लू लगाने के बाद ये हमारा कॉम्बो है, सैमसंग M10 का ये कॉम्बो है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमको इसको इस स्ट्रिप को मिडल के अंदर डालना पड़ेगा। मिडल में डालने के बाद इसको इस तरीके से चिपका देना है। इस तरीके से चारों तरफ से इसको दबाना है जिससे हमारे फ्रेम के अंदर बराबर फिट हो जाए। चारों तरफ से हमको इधर से चेक करना है कि हमारे फ्रेम के अंदर फिट हो रहा है या नहीं। फिट होने के बाद हमको इसको लगा करके चेक करना है कि हमारा कॉम्बो हुआ है कि नहीं। अब हम देखते हैं, इसको लगाने के बाद हमको इसको फिट करना है फोन को। दोस्तों, ये हमने स्क्रू लगा दिए हैं, स्क्रू लगाने के बाद हमको ये
ये हमारा कॉम्बो फिट हो चुका है, उसको हमको कंप्लीट लगाने के लिए लोग इसका पैकिंग करने के लिए, इसकी मजबूती करने के लिए रबड़ लगाते हैं ताकि ये अच्छे से पकड़ कर ले। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप ये टैप लगाएं जिससे चारों तरफ इसकी पकड़ अच्छी मजबूत हो। दोस्तों हमारा फोन ऑन हो चुका है, ये देख लीजिए हमारा ये कॉम्बो अच्छे से लग चुका है। और ये टैपिंग करने के बाद हमको इस टैपिंग को 1-2 घंटे बाद निकाल देना है ताकि ये हमारा कॉम्बो अच्छे से चिपक जाए। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।